नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं तेज प्रसाद टेक्निकल न्यूज शुरू में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, विंग्स जो कि यह खासकर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज मेकर ब्रांड है जो फेमस है अपने गेमिंग TWS ईयरबड्स को लेकर खासकर भारतीय मार्केट में, इन्होंने आज अपनी एक और न्यू लेटेस्ट और पॉकेट रेंज सेगमेंट के खासकर गेमिंग यूजर्स को ध्यान में रखते हुए बिल्ट किए गए TWS ईयरबड्स को और आज भारतीय मार्केट में कर दिया है लॉन्च। और इनका नाम कंपनी ने विंग्स हॉक रखा है। सिलिकॉन मटेरियल से बनी हुई हैं, देखने में काफ़ी अच्छे, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इनको कंपनी ने ओनली ब्लैक कलर के साथ ही लॉन्च किया है और ये देखने में एक प्रॉपर गेमिंग TWS ईयरबड्स लगते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं विंग्स हॉक TWS ईयरबड्स के फीचर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा इनके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इनके कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में। तो इनके अंदर कंपनी आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 दे रही है जो आपके एंड्रॉयड, iOS और विंडो गैजेट्स के साथ कनेक्ट होने वाली है। और इनकी जो कनेक्टिविटी रेंज है वो 10 मीटर के आसपास रहने वाली है। इसके अलावा इनके अंदर आप लोगों को ऑटो पेयरिंग, क्विक पेयरिंग, मोनोपोर्ट जैसे बेहतरीन फीचर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। सब कुल मिलाकर इनके अंदर से आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग और स्मूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इन विंग्स हॉक TWS ईयरबड्स के साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इनके अंदर कंपनी आप लोगों को 8mm के डायनेमिक डर उपलब्ध करवा रही है जिसके साथ पंपिंग बेस जैसा फीचर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। हालांकि यहां पर क्लियर कर दूं कि किसी भी प्रकार का नॉइस कैंसिलेशन जैसा फीचर तो नहीं मिलता, लेकिन यह म्यूजिक लवर्स के लिए काफी बेहतरीन साउंड क्वालिटी उपलब्ध करवाने वाले हैं जो काफी क्लियर, बैलेंस्ड और रियल टाइम रहने वाली है। लेकिन यह खासकर गेमिंग यूजर्स को ध्यान में रख के बिल्ड किए गए TWS ईयरबड्स हैं। तो प्रॉपर तौर पर इनके अंदर कंपनी आप लोगों को लो लेटेंसी और गेमिंग मोड जैसे फीचर उपलब्ध करवा रही है, तो इनके अंदर से गेमिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो सब कुल मिलाकर ये गेमिंग यूजर्स और म्यूजिक लवर्स दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए काफी बेहतरीन और सस्ते TWS ईयरबड्स रहने वाले हैं और काफी अच्छी साउंड क्वालिटी इनके अंदर से सुनने को मिलने वाली है। अगर बात करें इनके और फीचर्स के बारे में, तो इनके बैक साइड पर कंपनी आप लोगों को टच कंट्रोल पैन उपलब्ध करवा रही है जिससे आप लोग कॉल को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर पाएंगे, म्यूजिक को कंट्रोल कर पाएंगे, उसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा वन क्लिक में गूगल और सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट को सीधा कमांड देने की सुविधा कंपनी इन TWS ईयरबड्स के अंदर उपलब्ध करवा रही है। कॉलिंग के लिए कंपनी इनके अंदर आप लोगों को मल्टीपल माइक्रोफोन उपलब्ध करवा रही है जो हाई सेंसिटिव फीचर्स से लैस हैं, जिनके अंदर आप लोगों को EQ टेक्नोलॉजी कंपनी उपलब्ध करवा रही है। हालांकि किसी प्रकार का नॉइस कैंसिलेशन का फीचर तो नहीं मिलता, लेकिन ये काफी कंफर्टेबल डिजाइन के साथ आते हैं और आप लोग इनको उपयोग पब्लिक प्लेस पर भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे और काफी बेहतरीन कॉलिंग का एक्सपीरियंस इन हॉक TWS ईयरबड्स के अंदर से आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ये IPX5 वाटर रेजिस्टेंट फीचर से भी लैस हैं जो इनको धूल मिट्टी और आपके पसीने से होने वाले नुकसान से काफी हद तक सुरक्षित भी रखने वाले हैं। अगर बात इनके बैटरी बैकअप के बारे में, तो इन ईयरबड्स के अंदर कितने एमएच की बैटरी है हालांकि यह तो क्लियर नहीं है, लेकिन कंपनी का कहना है कि अगर आप लोग इनको एक बार फुल चार्ज करेंगे तो नॉर्मल मोड पर आप लोगों को 5 आवर्स का बैटरी बैकअप इनके बैटरी की तरफ से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इनके चार्जिंग केस पर कंपनी आप लोगों को 300 mAh की बैटरी उपलब्ध करवा रही है जो टोटल आप लोगों को 15 आवर्स का बैटरी बैकअप उपलब्ध करवाने वाली है। हालांकि किसी भी प्रकार का फास्ट चार्जिंग का सुविधा तो इसके अंदर जरूर नहीं मिल रहा है, लेकिन चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी टाइप सी कंपनी जरूर उपलब्ध करवा रही है। और जिस कीमत के साथ कंपनी इनको लॉन्च किया है, इनका जो बैटरी बैकअप है वो भी ठीक ठाक रहने वाला है। फाइनली दोस्तों, अगर मैं बात करूं इन विंग्स हॉक TWS ईयरबड्स के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यह ऑलरेडी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट Amazon इंडिया के अंतर्गत परचेस करने के लिए उपलब्ध हो चुके हैं, जहां से आप लोग इनको परचेस कर सकते हैं। अगर बात करें इनकी कीमत के बारे में, तो इनकी जो लॉन्चिंग कीमत कंपनी ने रखी है वो मात्र 1799 रखी है। मेरे हिसाब से दोस्तों, एक ब्रांडेड और गेमिंग TWS ईयरबड्स के तौर पर यह गेमिंग यूजर्स के लिए वाकई में काफी सस्ते और ब्रांडेड TWS ईयरबड्स रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग कोई न्यू और लेटेस्ट गेमिंग TWS ईयरबड्स परचेस करना चाहते हैं जिनका लुक भी गेमिंग की तरह हो, तो आप लोगों के लिए यह बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फिर भी आप लोगों के दिल में कुछ भी सवाल हो, खासकर इनकी क्या कीमत होनी चाहिए थी भारतीय मार्केट में, कुछ भी तड़कते भड़कते सवाल हो, तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।